हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक सेलेस में। फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्कॉलरशिप का जो फाइनल प्रिंट आउट है उसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है। बट इरर इसमें यह रहा था कि इसमें जो फोटो जो है स्टूडेंट का नहीं आ रहा है। अगर हम इस स्लिप को निकाल के देंगे तो हमें वहाँ पे मैनुअली एक फोटो को चिपकाना होगा। तो फ्रेंड, अगर आपके पास PDF है और आप इस PDF में डायरेक्ट फोटो को लगाना चाहते हैं तो छोटी सी वीडियो होने वाली है। आप स्टूडेंट का फोटो जो है इसमें प्रिंट आउट लगा करके उसके बाद प्रिंट देंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको ऐसी स्लिप में फोटो नहीं आ रहा है तो आपको अगर स्टूडेंट का फोटो लगाना है इसके बाद प्रिंट आउट देना है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो फाइनल प्रिंट आउट है इसमें स्टूडेंट का फोटो हम लगाएंगे, इसके बाद उसको प्रिंट आउट निकाल के हम दे देंगे। उसके लिए ऐसे मान लीजिए हमारे पास ये PDF है और आपको क्या करना है कि आपको बस यहाँ पे अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। फ्रेंड, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, PDF को जो एडिट करने की वेबसाइट है। आप इसमें अपने PDF फाइल को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, मोबाइल फोन में करेंगे या फिर PC में करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे अपलोड PDF फाइल पे क्लिक करना है और जो फाइनल प्रिंट आउट हमने डाउनलोड करके रखा है उसको हमें इसमें ओपन करना होगा। तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। ये हमारा फाइल रहा, मैं इसको ओपन कर दिया। अभी आपका PDF इसमें ओपन हो जाएगा। अभी फ्रेंड देखिए, हमारा यहाँ पे कस्टमर का PDF यानी स्टूडेंट का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो ओपन हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पे हमें फोटो उसका लगाना है, तो उसका कोई भी फोटो हम स्कैन कर लेंगे या फिर उसके आधार कार्ड पे जो होगा उस फोटो को हमें जो है इसमें लगाना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे इमेज का स्क्रीनशॉट लेके रखा है, तो यहाँ पे इमेज को लाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए इमेज का ऑप्शन है, आपको सिंपली इमेज वाले पे क्लिक करना है और इसके नीचे देखिए यहाँ पे न्यू इमेज है, आपको सिंपली न्यू इमेज पे क्लिक कर देना है। और जिस भी लोकेशन में आपने फाइल को सेव करके रखा हो इमेज को, उसको आपको ओपन करना है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट में हमारा था, हम उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड, ये रहा फोटो हमारा, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओपन पे हमने क्लिक कर दिया। अब जैसे ओपन पे क्लिक करें, देखिए अभी आपको माउस में यहाँ पे होवर बन के इसमें है। अब देखिए ये इमेज हम इधर लेके जाएंगे, इधर लेके जहाँ पे छोड़ेंगे वहीं पर इमेज आ जाएगा। तो हमें इस बॉक्स में ले जा करके यहाँ पे इसको इस तरह से छोड़ देना है। अब देखिए इमेज आ गया। अब आपको इमेज को इस तरह से जो है एडजस्ट कर लेना है पूरा इस तरह से। देखिए इमेज आ चुका है, उसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इस तरह से आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ नीचे अप्लाई चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही अप्लाई चेंज पे क्लिक करें, देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, अब डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। अब डाउनलोड पे आप जैसे क्लिक करेंगे, फाइल आपको सेव करना होगा। जैसे हमने डाउनलोड वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको सेव पे क्लिक कर दिया। अभी सेव पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल अभी हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे ये हमारी फाइनल प्रिंट डाउनलोड हो चुकी है फोटो वाली। अब हम इस पर ओपन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे आपको फोटो दिखने लगे। देखिए इस तरह से फोटो आ गया और देखिए अब ओरिजिनल फोटो है। इस पर अगर आप चाहे मैनुअली फोटो लगाएंगे या फिर इस तरह से, देखिए हमारा फोटो आ गया। अब हम डायरेक्ट प्रिंट आउट देंगे तो हमारा फोटो के सहित यहाँ पर पूरा प्रिंट आउट निकलेगा। तो अगर आपके पास ऐसी शिकायत आ रही है फ्रेंड, आपका फाइनल प्रिंट में स्टूडेंट का फोटो नहीं आ रहा, तो आप इस तरह से स्टूडेंट का फोटो लगा सकते हैं। सो आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपका स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।